साथियों, रोज आप सब हमारे आवाज में गाना सुनीला। देश दुनिया में ये बात का चर्चा बा, गांव गली में ये बात का चर्चा बा, लोग ये बात के बतियावता। हम गाना रोज गाते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय मंचों पे गाते हैं, प्रादेशिक मंचों पे गाते हैं। एक दिन हम कहली कि भैया तनिक गांव में अब चल जा। 2014 में तो जब जाके कहल जा कि ये भैया साइकिलिया वाला के वोट दी है, लोग हमको निकाहे हो का समाजवादी सरकार दिया सोकरी बातो वोट ना मिली। लोग कहे नहीं, जितना रुपया विदेश में बा सगरी मोदी जी ले आई हा, आ सबके खाता में डलवाई हा। अच्छा तो यही से सबका खाता खुला था, मेहरारू जो उनके लड़का होके करे वो भी सारे से जाके बैंक में लाइन लगाओ सब। मर्दे से रिसिया ने से कहा से कि आज ले 1 रुपया देवे ना कैला, अब 15 लाख मिले खाती खाता खुला था कहे तू रोका था। हम कहा जो खोल जो जो जो, जो खुलवाओ जो। अब कौन करे पैसा वा कहती अब हम तो ऐसे ना बतियाई खोज नहीं। उनके दिन आके कहले रहे 15 लाख मिली करी खाई हाड़ी टीक के धैले वाली। गांव में लोग बतियावा था कहता का कहता जैसन राज चलवलस सप्पा। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा अब परिवेश ना होई, अब परिवेश ना होई। जैसन राज चलवलस ईमानदारी से कह रहा हूं मित्रों, हिंदुस्तान की धरती पर उतना सादगी से रहने वाला दुनिया में कोई नेता नहीं होगा। आप देखना अपने नेता अखिलेश यादव को, हमारे नेता अखिलेश यादव को, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार और सादा जीवन उच्च विचार और उसमें कुछ तो विशेष है, उसमें कुछ तो विशेष है, उसमें कुछ तो। भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहने के बाद आज भी अगर आप मिलेंगे तो वो सफेद कुर्ता, सफेद पैंट, काला जूता, उसके बाद कुछ नहीं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और जो भी मिलेगा दीवाना होके चला जाएगा। ऐसी हैसियत है अखिलेश यादव की। कहना चाहता हूं क्या, सादा जीवन उच्च विचार और उसमें कुछ तो विशेष है, उसमें कुछ तो। हमारे नेता ने कहा पेंशन देंगे दिया, हमारे नेता ने कहा एम्बुलेंस चलवाएंगे चलवाया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी भाजपा नेता को चोट लगती है और फोन करता है 100 नंबर पर, तो वो 100 नंबर की पुलिस अखिलेश यादव की दी हुई वो गाड़ी तत्काल मौके पर पहुंचती है। 102 नंबर, 108 नंबर की एम्बुलेंस पहुंचती है। और याद रखना जो कहा अखिलेश यादव ने वो किया। ये भाजपा वाला 2014 में कहना सा न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार
कारण तनी हम अपने नेता के बारे में कह रहे हैं, अगली लाइन में बताएंगे क्या। सादा जीवन उच्च विचार और राशि जिनका मेष है, बात पे अपने अडिग रहे और उसमें कुछ तो विशेष है। ए साहब लोहिया राज नारायण जैसन, लोहिया राज नारायण जैसन अब परिवेश ना हो। नारा ये लोग लिखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गांव में जा लो भाजपा वाला लोग, गांव में लोग दफ्ती पर लिख के टंगले बा कि भाजपा वालों से बेटी बचाओ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार में फंसता है। ए भाई ये जितना बड़का बड़का मठ का मठाधीश कहलो समन्वय देखा था लो, सबका फोटो नरेंद्र मोदी के साथ है, वित्त मंत्री के साथ है, फलनवा मंत्री के साथ है। आज अभी फंसा ना तो ही कहता ना सके ना ना हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहा है, अब तो ले फोटो पीछे से जारी हो जाता कि एक के साथ बैठ के चाहती है तरह से। राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हर बेर जब चुनाव आवे तब राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। ये कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जब आप एसी एसटी एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कैबिनेट से आपने फैसला ला करके और उस एक्ट को पारित करवा दिया तो सरकार आपकी लोकसभा में बहुमत आपका, विधायक आपके, मंत्री आपके, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी। राम मंदिर काहे नहीं बन रहा है? अरे त्रिपाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रखा गया है, एगो प्रधानमंत्री आवास दे दलो मर्दवा कम से कम उतनों में एगो छत बन जाए। बुरा मत मानिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ क्या अपने नेता अखिलेश यादव के बारे में कैसे। अरे सड़क बना के तय समय में, सड़क बना के तय समय में दुनिया के दिखला दी हले, दुनिया के दिखला दी हले। बनारस में नरेंद्र मोदी जी आए और कहे कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, क्योटो तो नहीं बना, उन्हीं के विभाग का उन्हीं के सरकार में ये जो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय था उसी से बन रहा था। ओवर ब्रिज गिर गई कितना लोग चपा के मर गई, आज लेका भइल के उजाना था, लिपापोती हो गई, मामला खत्म हो गई। इतना ही नहीं अभी बस्ती में देखिए बन रहा था ओवर ब्रिज, अबे काम चालू रहे तो ले उतना बढ़िया रहे कि 7 बजे सवेरे गिरल कितना लोग मरल नहीं, एगो मजदूर शायद वहू में चपा के मर गई। ये लोग कहे कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये लोग कहे कि एकदम गांव को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, कैशलेस इंडिया बनाएंगे। अच्छा तो ये बताओ तरकारी किने देवे बाजारी में, आ कबो कबो ऐसा होला कि जानी जा तरकारी किने नहीं जा कहन जा कि हो 2 किलो गोभी दे दो, 2 किलो भंटा दे दो, 2 किलो आलू दे दो, काल पैसा दे। आ कैशलेस इंडिया है तो कौने चीज से पेमेंट करे के बात है, जब उधार देवे ना करी तो लिया ही कहां से। सब फर्जी गोल बना ले वहां से जितना डाकू वाला सर, सब भाजपा वाला कुछ ना कहना सर। लेकिन अखिलेश यादव ने एक काम किया जो पूरे विश्व में जिनकी सराहना हुई, और क्या किया, अरे सड़क बना के तय समय में, सड़क बना के तय समय में दुनिया के देखा ला दी हले।
साहब एक ऐसा चीज दिया था गरीबों को पात्रता के आधार पर चयन करके, जिस चीज का जिस योजना का नाम था समाजवादी पेंशन। और किस मकसद से अखिलेश यादव ने दिया था मास्टर? तो पेंशन समाजवादी दिहले, पेंशन समाजवादी दिहले कि कलेश ना होई, पेंशन समाजवादी रखिएगा जरा। आप एक बात मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं मेरे मित्रों, ये लोग तीन चार चीजों पे फोकस डालेंगे अब चुनाव आएगा तो, अब चुनाव आएगा तो हो सकता है राम मंदिर बनाने की घोषणा भी हो सकती है। ये इतने जालसाज हैं सब, अभी गिट्टी बालू गिरा देंगे, पत्थर पुजवाना चालू कर देंगे सब। होशियार रही हलो जे उखियारी उखिना देला उ कोल्हुआड़े भेली ना दे। मौर्या जी PWD मंत्री केशव प्रसाद मौर्या जी, वो बुझे कि हम ही के मुख्यमंत्री बनावे जाता ना सर। आज ले उनका पते ना लगल कि उनका मुख्यमंत्री वाला ऑफिस बात कहाँ बा। एक दिन नेम प्लेट लगो ना तो ये उजार के फेंका गयलू और यहाँ घूमत ना पेंडुलम नियर, वो बुझात ना हम ही मुख्यमंत्री बने जाता नहीं। याद रखिए मेरे मित्रों, आज एक बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इस देश में सबसे अगर ज्यादा दुखी कोई है तो किसान है, सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो नौजवान है। नौजवानों को हर साल कई लाखों करोड़ों नौकरी देने का वादा किया गया, किसानों से कहा गया हम आपको सब्सिडी देंगे। अच्छा तो गैस जितना दे रहा सा एक को कनेक्शन का सब्सिडी आवत नहीं खे इतने ना, अब तो सूखा पड़ल बा, लोग पेट्रोल पंपे पर जब जाता तेल लेवे तो एक बेर जब वो फोटो देखा था कि न गुंडा राज न महंगाई की मार, नहीं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। आजो गांव की पुरानियन की नजर में वो फोटो पड़ जाता, आजो जब डीजल लेवे जाता तो डीजल वाला कहता कि डीजल अब धीरे धीरे 80 रुपया नियर आवे जाता, तो मुहे से बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता ना सर। ये तीसरी लाइन कहना चाहता हूँ क्या, अरे तीने पदीने पर